विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। सब्जेक्ट बॉडी परफेक्शन एंड योगा। सब्जेक्ट कोड BC 208। मेरा टॉपिक है ट्रीटमेंट थ्रू योगा, पार्ट 1। वर्तमान समय में बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। योग एक ऐसी क्रिया है जिससे शरीर की रक्षा की जा सकती है। इससे शरीर में लचक आती है और शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग शरीर, दिमाग और मन को जोड़ता है जिससे शरीर की ऊर्जा को बेहतर बनाया जा सकता है। योग सीखना बहुत आसान है। इससे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। आरंभ में किसी भी योगा एक्सपर्ट से सलाह लें या प्रशिक्षक के अंडर में योग करें। ध्यान रहे, योगासन गलत तरीके से ना करें। योग करने के बहुत से लाभ हैं। योग से शरीर की आधे से ज़्यादा बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। कुछ बीमारियों को दूर करने में योगासन बहुत ही कारगर होते हैं। विभिन्न रोगों के लिए ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के साथ पूरक चिकित्सा के रूप में योगासन किए जा सकते हैं। योग विश्व में भारत की पहचान है, जिससे स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन भी प्राप्त किया जा सकता है। आजकल योगासन का रुझान लोगों में बढ़ रहा है। वर्तमान समय में भागदौड़ की जिंदगी में चिंता और तनाव से व्यक्ति घिरा रहता है। योग सही समय पर, सही तरीके से और सही मार्गदर्शन में किया जाए तो अच्छा लाभ देता है। रोग विशेष अंग की कमजोरी के कारण होता है। आसन अपनी खिंचाव पद्धति के आधार पर उनसे संबंधित नसों को मजबूत बना देता है, जिससे उनमें शक्ति बढ़ती है और रोगों का नाश होता है। इस पद्धति को अपनाकर कोई भी स्वस्थ, निरोगी और दीर्घजीवी बन सकता है। योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है। रोग विशेष के लिए अलग अलग आसन हैं। रोग की दशा में किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में संयमित तरीके से योग करने पर लाभ होता है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। योगासन करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियम। योगासन सदा खाली पेट करना चाहिए। योगासन दरी या मैट बिछाकर करना चाहिए। योगासन करते समय श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में आसन नहीं करने चाहिए। आसन करते समय शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आसनों को बिना कष्ट के सावधानी से करना चाहिए। योगासन के कम से कम आधा घंटे पश्चात भोजन करना चाहिए। आसनों का अभ्यास प्रतिदिन नियमपूर्वक करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। आसनों के अभ्यास के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। आसनों का अभ्यास करते समय मन शांत और प्रसन्न होना चाहिए। योग द्वारा रोगों की चिकित्सा। योगासन द्वारा कोई सा भी रोग दूर किया जा सकता है। रोग के आसन दूसरे आसनों की अपेक्षा लंबे शोध और प्रयोगों के बाद शरीर विज्ञान के अनुसार निर्मित किए गए हैं। ऋषि मुनियों ने योगासन का आविष्कार रोगों को दूर कर लंबी आयु के लिए किया था। योग एक स्वस्थ व शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है, इसलिए योग चिकित्सा का महत्व बढ़ गया है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और योग विज्ञान में थायराइड से लेकर माइग्रेन तक हर बीमारी का उपचार संभव है। निम्न बीमारियों में योग द्वारा उपचार: थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिप्रेशन और PCOD। अब हम बात करते हैं योगासन द्वारा थायराइड की चिकित्सा। आजकल थायराइड विकार का होना बहुत आम बात हो गई है। इसका मुख्य कारण हमारी तनावग्रस्त जीवन शैली है। योगाभ्यास अभ्यास से थायराइड के उपचार में प्राकृतिक रूप से मदद मिलती है, जिससे दैनिक जीवन को सरल और आनंदमय बनाया जा सकता है। थायराइड विकार के 2 प्रमुख रूप हैं, हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड। थायराइड विकार के लिए योगाभ्यास शुरू करने से पहले चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। योगाभ्यास के निरंतर अभ्यास से दवा की आवश्यकता में कमी आ सकती है। योगासन हाइपो और हाइपरथायराइड दोनों के मरीजों के लिए अच्छे माने जाते हैं। थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गले में होती है। यह 2 तरह के हार्मोन का निर्माण करती है, T3 और T4। जब यह हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो वजन बढ़ने या कम होने लगता है, जिसे बोलचाल की भाषा में थायराइड कहा जाता है। योगासन के साथ साथ उचित आहार भी लेना चाहिए।
आहार में रेशेदार पदार्थों को सम्मिलित करें, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करें, ताजे फल व पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, मांसाहारी भोजन चावल फास्ट फूड पत्ता गोभी फूलगोभी ब्रोकली का सेवन सीमित मात्रा में करें, तैलीय मसालेदार भोजन अचार कोल्ड ड्रिंक मैदे से बनी चीज़ें जंक फूड डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आदि से परहेज करें। सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, आंवला और एलोवेरा का रस लें। थायराइड रोग के लिए किए जाने वाले आसन सर्वांगासन हलासन ओष्ट्रासन और मत्स्यासन। आइए देखते हैं अब इन आसनों को करने की विधि। सर्वांगासन यह तीन शब्दों से बना है। सर्व का अर्थ सभी, अंग का शरीर और आसन का अर्थ मुद्रा से है। सर्वांगासन करने की विधि। सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को शरीर के साथ सीधा सटा कर रखें, फिर अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। इसके बाद अपनी कोलों व कमर को भी ऊपर की ओर उठा लें। इसके बाद कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए पीठ को अपने हाथों के जरिए सहारा दें और पैरों व घुटनों को ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा कर दें। घुटने व पैर का आपस में मिले हुए होने चाहिए और इस दौरान शरीर का पूरा भार आपके कंधों सिर व कोहनियों पर होना चाहिए। इसी मुद्रा में जितनी देर संभव हो रहें और लंबी गहरी सांस लेते रहें। अब वापस पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं व हाथों को सीधा करते हुए कमर को जमीन से सटाएं और पैरों को धीरे धीरे वापस जमीन पर ले आएं। इसका अभ्यास 3 से 5 बार तक करें। आसन करने की विधि। सबसे पहले योगा मैट पर पीठ के बल सीधा लेट जाएं और हाथों को भी शरीर से सटाकर सीधा रखें। अब पैरों को घुटने से मोड़े बिना धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को सहारा देते हुए पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। पैरों की उंगलियों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें और ध्यान रहे कि इस अवस्था में हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। इस मुद्रा को हलासन कहते हैं। ओष्ट्रासन। ओष्ट्र और आसन शब्दों से मिलकर इसका नाम ओष्ट्रासन पड़ा है। ओष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। जब हम यह आसन करते हैं तो हमारी मुद्रा लगभग ऊंट जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे ओष्ट्रासन कहा जाता है। ओष्ट्रासन करने की विधि। इस योगासन को करने से पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। इस मुद्रा में घुटनों व पैरों के बीच करीब 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। अब आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं और सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें। दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें। यह ध्यान रहे कि गर्दन में किसी तरह का झटका ना आए। अब सिर को पीछे की ओर झुका लें। इस मुद्रा में शरीर का पूरा भार बाहों और पैरों पर होना चाहिए। इस अवस्था में रहते हुए धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। करीब 1 मिनट तक ऐसे ही रहने के बाद धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस आसन को 3 से 5 बार दोहराएं। मत्स्यासन करने की विधि। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसे करते समय शरीर मछली के आकार का हो जाता है, इसे इंग्लिश में फिश पोज योगा भी कहते हैं। करने की प्रक्रिया। जमीन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अब हाथों की मदद से शरीर को ऊपर उठाएं और पैरों में सिर के बल पर शरीर को संतुलित कर लें। इसके बाद बाएं पैर को दाएं हाथ से और दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ें। इस दौरान कोहनियां और घुटने जमीन से सटे हुए होने चाहिए। इस स्थिति में रहते हुए धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें और करीब 30 सेकंड तक इस अवस्था में रहें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने हाथों का सहारा लेते हुए लेट कर जाएं और फिर उठते हुए प्रारंभिक अवस्था में आकर सीधे बैठ जाएं। इस तरह के
करीब 3 से 4 बार इस चक्र को दोहराएं।